अस्वन, मैंने सुना तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं क्या बताऊंगा आपको, वो मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम था। जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। आना वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, बट स्टिल शुरू से शुरू करो। एक मिनट, तो कबीर था? जी जी, लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था। अच्छा, आगे बताओ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, आवाज आ रही है? किससे बात कर रहे हो? सर आपसे बात कर रहा हूँ, और किससे बात कर रहा हूँ? मुझे एक बात बताओ, क्या दुख थी उससे बात करने की? सर बस मुझे पसंद है लोगों से दोस्ती करना। जब से मैं इस्लामाबाद आया हूँ यहाँ तो हर कोई इतना फ्रेंडली है, और वो एक वाहिद अजीब शख्स था जिसने मुझसे बात ही नहीं की। सर आगे सुनाऊं? हाँ आगे सुनाओ। मुझसे? जी आपसे। मुझसे तो आज तक किसी ने बात नहीं की। तो सर मैं कर रहा हूँ ना। हाँ भाई, क्यों भागे थे वहां से? यशवंत अच्छा इंसान नहीं है। क्या मतलब? मतलब कि वो बुरा इंसान है, हमारी सोसाइटी को खराब कर रहा है वो। सर आसमान बोल, क्या हुआ? सर ऑर्डर आया है। ऑर्डर? किस चीज का ऑर्डर? आपके पास सिर्फ एक दिन रहेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी? यार ये लोग पागल तो नहीं है? अभी तुम्हारे इस बच्चे के बारे में भी पूछा है। सर मैं क्या कर सकता हूँ, पर्स ऑर्डर है। क्या बकवास है। चलो ओए छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। वो तो एक मजाक था। किसी को किडनैप करना मजाक होता है? किडनैप? नहीं नहीं नहीं, मैंने उसे किडनैप तो नहीं किया, बस कुछ टाइम के लिए अपने पास रखा था। तो उसको अपने पास रख के क्या करना था तुमने? वो हमारी यंग जनरेशन को खराब कर रहा था। कैसे कर रहा है यंग जनरेशन को खराब? वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। वो साथ को चॉकलेट के साथ सिगरेट की डब्बी भी देता था। सिगरेट्स? आर यू क्रेजी? मेरा दिमाग खराब है क्या? अगर तुम्हें कबीर की बातों पे इतना यकीन है तो तुम जाओ उस बच्चे से पूछो। वो बच्चा नहीं रहा। क्या? ये कब और कैसे हुआ? सेम नाइट जब तुम किडनैप हुए। तो क्या तुम उस बच्चे की वजह से इस केस पे इतना फोकस कर रहे हो? एक मिनट रुको। मैंने सुना है अस्वन ने तुमसे क्या बात की है। यार उस्मान प्लीज इस टॉपिक में कोई बात नहीं करना। बट यार, यार उस्मान प्लीज, मैं नहीं इस पे बात करना चाह रहा।
मुझे ये क्यों फील हो रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो? मुंह बंद कर और आगे सुनो। ओए, मैं कहाँ हूँ? कोई आए इधर? मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? कोई मदद करे खुदा के लिए मेरे। इधर कोई नहीं है जो तुम्हें बचाने आएगा, ये कोई मूवी नहीं है। खुदा के लिए भी मेरी मदद करे कोई है? ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझे पागल लगते हो, तुम्हें पागल खाने में होना चाहिए। तुम पागल हो बिल्कुल। खुदा नहीं बोला मुझे पागल। नहीं, नहीं बोला, बोला पागल मुझे। ना मारा मुझे, ना मारा मुझे। हमारे माशरे में इज्जत कमाना एक दूर की ख्वाहिश है। इस दुनिया में सिर्फ बच्चे ही मासूम और शरीफ हैं, और तुम उनको खराब कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं मानता हूँ मैंने जो किया गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। गुड, प्लीज प्लीज मेरे हाथ खोल दो, मेरा सांस रुक रहा है, मैं मर जाऊंगा। वो ट्रिक? नहीं नहीं, ये ट्रिक नहीं है, सच्ची सच में मेरा सांस रुक रहा है, मैं मर जाऊंगा। हेलो जी माँ। हाँ हाँ, शादी का फंक्शन अच्छा था। जी जी, सब कुछ अच्छा था जी। मैंने उनको बता दिया था आप क्यों नहीं आई। अच्छा सुनो, मैं घर ही जा रहा हूँ, मैं आपसे जाके बात करता हूँ, ठीक है? यार उस्मान क्यों कॉल कर रहा है? हेलो उस्मान। हाँ, क्या हुआ? क्या मतलब बच्चा किडनैप हो गया? बस मैं घर के पास ही आ रहा हूँ। कबीर और संत की फाइल यानी बहुत कम टाइम रहेगा यार, मुझे पता तो है यार, कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे लगता है सुन का कोई बड़ा रोल है सब में। नहीं यार, साफ साफ बच्चे रहा कि कबीर पागल है। अगर वसकन को किडनैप करते तो बच्चा कहती है उससे भी तो मार सकता। यार ये तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, कुछ सही नहीं लग रहा। हाँ, एक तो ऊपर से दोनों के अपार्टमेंट भी देख लिए, कुछ नहीं मिला। वही तो दोनों के। उस बच्चे का घर देखा? बच्चे का? तो बच्चे के घर की तलाशी लो, क्या पता वहां से कुछ मिल जाए। चलो चलो। कट द क्रैप। अब मुझे सही सही बताओ, वो बच्चा किधर है? सर वो अश्वंद ही है, मैं आपको बता रहा हूं ना, वो अश्वंद ही है। मुझे क्या पता, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, मुझे तो आपसे पता चल रहा है। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाह रहे हो कि कबीर ने की है या कोई और? सर वो अश्वंद ही था, मैं आपको बता रहा हूं ना, अब मेरी बात का यकीन तो करें, वो अश्वंद ही था। सर सच बताओ, मुझे नहीं लगता कि कबीर ने साथ को किडनैप किया। मुझे लगता है कि शायद उसकी फैमिली का ही कोई हो।
वेल हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई है और ये तुम दोनों में से पड़ी है। साथ की फैमिली की इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं। वैसे थोड़ी बहुत साइकोलॉजी मैंने भी पढ़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा आपके लिए शायद बहुत इम्पोर्टेंट था। अब तुम इतना फोर्स कर ही रहे हो तो सुनो, कुछ महीने पहले जब मैंने नया नया काम शुरू किया हुआ था, यहाँ इस्लामाबाद में एक फैमिली आई थी और उनका एक बच्चा मेरी वजह से घूम गया था। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और ऑनेस्टली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं साथ को ढूंढ के ही रहूँगा। ये बात मेरे वहमों व मान में भी नहीं थी कि जिन लोगों के साथ आपने अपना कीमती वक्त गुजारा हो वो इतने बड़े शैतान हो सकते हैं। इसी तरह अगर सिर्फ किसी ने कबीर की मेंटल हेल्थ पे ही गौर किया होता तो आज इतना बड़ा इशू ना क्रिएट होता। दिस क्राइम ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ रेज एंड बिकॉज ही वाजंट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। ये क्या कर रहे हो उसमें? यह अखबार पढ़ रहा हूँ। कोई नई खबर? कबीर को उम्र कैद हो गई है। उम्र कैद? हाँ जी। वैसे इससे मुझे याद है केस फाइल्स बनाई थी। सॉरी यार वो तो नहीं याद थी मुझे, यही सोचा था मैंने। यार उस्मान मुझे वो तो बताना, असल का पूरा नाम क्या? यार उसका नाम मीर, असवन मीर, वो याद है गुलगस्त चढ़ा उसका भाई है, असवन अब्दुल्ला का बड़ा भाई। हाँ जी असवन मीर, अब्दुल्ला मीर। वाह मुझे नहीं मालूम था कि इस्लामाबाद का इतना बड़ा डिटेक्टिव मेरी एक हफ्ते की प्लानिंग को भी सॉल्व नहीं कर पाया। तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों उसी यूनिवर्सिटी में गया जिसमें तुम भी थे? मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं इसी वजह से गया था ताकि तुम्हें देख सकूँ और समझ सकूँ। तुम इतने बेवकूफ़ हो तुम्हें एक दफ़ा भी नहीं सोचा होगा कि मेरा सरनेम देख लूं और पहचान लूं कि अब्दुल्ला और मैं भाई थे। चलो खैर अब जो हुआ सो हुआ, थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग मी फॉर ऑल दिस टाइम। और अगर तुम्हें उस बच्चे के बारे में जानना है तो रहने दो, उसके बारे में जान के तुम्हें क्या करना। और हाँ भूल गया ऑलमोस्ट, माजरत कबीर की ज़िंदगी खराब करने के लिए, लेकिन चस बड्डी आई है। ओह शिट, मुझे नहीं था मालूम कि कोई एक नफ्सियाती मरीज को इस तरह यूज़ कर सकता है कि वो मेरा करियर बर्बाद करने का सबब बन जाए। अफसोस सिर्फ इस बात पे है कि मैंने ये चीज़ नहीं नोटिस की कि हर किसी की कोई डार्क साइड होती है। Stars think you're tough, I know they'll drive you bonkers. Meet them once and they'll forever haunt ya. There's no heroes or villains in this place, just shadows that dance in my headspace, leaving nothing but phantoms in their way. There's parts of me I cannot hide. I've tried and tried a million times. My heart and hope to die. Welcome to my dark side.